गांव से बहुत दूर एक घना जंगल था। उस जंगल में चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ पौधों से घिरा हुआ एक शांतिदायक स्थान में एक साधु अपनी छोटी सी कुटिया में रहते थे। उस कुटिया के सामने एक बड़ा पेड़ था और उस पेड़ के नीचे बैठकर साधु तपस्या करते थे। एक दिन वो अपने तपस्या में मग्न था, तब अचानक कुछ शब्द हुआ और वो जाग गया और देखा कि एक कौवा मुंह में एक चूहा लेकर जा रहा है और वो चूहा निकलने की कोशिश कर रहा है। अचानक चूहा नीचे गिर गया और भागने लगा। फिर वो चूहा साधु के पास शरण लिया और उस दिन से साधु ने उस चूहा को अपने पास रख दिया। अब चूहा बहुत लाड प्यार और खुशी से निश्चिंत होकर रहने लगा। वो चूहा जंगल में आजादी से इधर उधर घूमने और खेलने लगा और खुद को अप्रतिद्वंदी समझने लगा। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि कोई खतरा छुपकर उसका इंतजार कर रहा है। फिर धीरे धीरे वो बिल्ली अपने शिकार की तरफ बढ़ने लगा। ये समझने के बाद वो चूहा भागने लगा और वो बिल्ली उसके पीछे। फिर वो चूहा कैसे भी करके अपना जान बचा के साधु के पास आया। साधु अपना ध्यान भंग करके देखा और सब कुछ समझ गया। तब साधु ने चूहे के ऊपर बिल्लियों का हमला और ना हो इसलिए अपना चमत्कारी शक्ति से चूहा को बिल्ली बना दिया और फिर साधु अपने तपस्या में मग्न हो गया। चूहा को बिल्ली बना के भी समस्या खत्म नहीं हुआ। एक दिन एक कुत्ता उस बिल्ली के पीछे पड़ गया। फिर वो बिल्ली भागते हुए साधु के पास आया और कुत्ते से बच गया। तब साधु समझ गया कि अब ये बिल्ली कुत्ते से डर रहा है, इसलिए साधु अपने चमत्कारी शक्ति से बिल्ली को कुत्ता बना दिया। उसके बाद साधु फिर से अपने तपस्या में मग्न हो गया। इस बार कुत्ता बना के भी कुछ फायदा नहीं हुआ। कुत्ता शेर से डरता है और वही हुआ। एक दिन एक शेर उस कुत्ते के पीछे पड़ गया। शेर से बचने के लिए वो कुत्ता पहले की तरह साधु के पास गया और साधु समझ गया कि अब ये कुत्ता भी सुरक्षित नहीं है। अब साधु उस कुत्ते को शेर बना दिया इसलिए कि अब उसे किसी से भी नहीं डरना पड़े। उसके बाद साधु फिर से ध्यान में मग्न हो गया। शेर बनाने के बाद उसके अंदर घमंड आ गया। फिर एक दिन उसने सोचा कि इस साधु को तो मेरे जन्म के बारे में सब कुछ पता है। जब तक ये साधु जीवित है तब तक मुझे मेरा पुराना रूप याद आता ही रहेगा। उन्हें मारने से ही मेरा भला होगा। ये सोच के वो शेर साधु को मारने के लिए जल्दी से साधु की तरफ जाने लगा। तब वो साधु अपने ध्यान में मग्न था, लेकिन उसने अपने दिव्य शक्ति से सब कुछ जान गया था। इसलिए वो शेर उनके सामने आते ही उन्होंने अपने शक्ति से उसे रोक दिया और क्रोधित होकर कहा, तुम्हारी इतनी बड़ी हिम्मत कि तुम मुझे मारने आए हो, मैं तुम्हें वही बनाऊंगा जो तुम पहले था, एक डरपोक चूहा, और तुम्हारी सबसे बड़ी सजा यही होगा। तो बच्चों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो मुझे लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक करो और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करो और लाइक और शेयर करना ना भूलें।